बिहार में छपरा सिवान हाईवे पर मंगलवार को बिहार पुलिस के जवानों को ले जा रही एक बस की चपेट में आने से 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। हादसे के बाद बस के फ्यूल टैंक में विस्फोट होने से बस में आग लगी। बता दें कि बस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सिताब दियारा कार्यक्रम से पुलिस कर्मियों को लेकर लौट रही थी। हादसा देवरिया गांव के पास उस वक्त हुआ जब बाइक सवार 3 लोग पुलिस अधिकारियों को ले जा रही बस की चपेट में आ गए। बाइक सवारों में से एक बस के नीचे फंस गया और उसे 100 गज की दूरी तक घिसटता हुआ चला गया। इसी दौरान बस का फ्यूल टैंक फट गया जिससे बाइक सवार एक युवक जिंदा जल गया। आग की लपटों में घिरी बस के साथ हुए हादसे के बाद कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस वाले भी इसका वीडियो बनाते रहे लेकिन घायलों की मदद को कोई आगे नहीं आया। पुलिस वाले सिताब दियारा से लौट रहे थे। सभी की ड्यूटी गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में लगी थी। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो तीनों युवक छपरा से मजदूरी कर वापस अपने घर लौट रहे थे। मौके पर मौजूद आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतकों के परिवार को मुआवजा के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग की है।